ਜਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਚੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ खूबसूरती ते कॉस्मेटिक्स की गल करते हैं तो सब तो रिनाउंड नेम जिहड़ा है शहनाज़ हुसैन का है जो साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने मैम आई मीन वी आर एबल टू सी कि लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है आपको देखना और आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं सो व्हाट इज़ द टिप मेन यू वांट टू गिव राइट नाउ इस मौसम में इस एनवायरमेंट में इस मौसम में तो ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल प्रोडक्ट देते ना कि स्किन में जो इफेक्ट होता है पोल्यूशन का वो ना हो और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जिसके लिए वो परेशान है हर एक उसको प्रॉब्लम है मेरे बाल झड़ रहे हैं मेरी स्किन ख़राब है मेरे आँखों में हल्के तो हो सकता है तो कुछ ना कुछ नुस्खा लिखते जाते हैं वो आते हैं सास में कि शहनाज़ हुसैन शायद कुछ बता दें अगर हम शहनाज़ हुसैन की बात करें उनके साथ मैं खड़ी हूँ तो ऐसा क्या रेजिमेन आपका ब्यूटी रेजिमेन है कि इस एज में आके भी स्टिल ग्लोइंग आप ऐसा क्या करती हैं खाने के लिए बहुत केयरफुल है और जो फेस में यूज़ करते हैं कोई केमिकल नहीं यूज़ करते ओनली हर्ब्स हम राजी नहीं कि कोई केमिकल लगाए अगर ख़त्म हो जाता है तो हम यूज़ नहीं करेंगे उसके बगैर रहेंगे अगर हम जड़ी बूटी छोड़ेंगे नहीं आखिर हज़ारों साल पहले दुनिया में कोई केमिकल नहीं थे तो हिंदुस्तान के पास हमेशा आयुर्वेदा था 3000 साल BC बिफोर क्राइस्ट तो हम लोग का तो हिस्ट्री आयुर्वेदा का है उसको छोड़कर हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को कोशिश करें कॉपी करना